वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम अहमद असर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो एक खास हमारे सब्सक्राइबर के लिए, यार उन्होंने हमें इतना कमेंट में बोला, बिल्कुल, तो उनके लिए स्पेशली हम वीडियो बना रहे हैं। वो समझ गए होंगे अभी कमेंट में आकर, बिल्कुल। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 10 इंडियन स्टेट्स बाय जीडीपी इन 2030 इमर्जिंग इंडिया। तो मतलब आज हम देखेंगे ऐसे स्टेट्स जिनकी जीडीपी जो टॉप 10 में आ जाएंगे 2030 तक में। अभी तो आप महाराष्ट्र फर्स्ट पे हो गए, इस तरह के कुछ स्टेट्स हैं जो फर्स्ट पे है, तो देखते हैं मतलब कौन से मतलब जगह टॉप 10 में ले पाते हैं, और महाराष्ट्र से कोई उसका ताज ले सकता है या नहीं ले सकता, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन स्टेट्स में लगा रहता है, बिल्कुल, कौन चेंज होती रहती है। तो देखते हैं मतलब कौन सा स्टेट, महाराष्ट्र भाई काफी टाइम से ऊपर है और फर्स्ट पे काफी टाइम हो गया उसका। वैसे इसका महाराष्ट्र को काटना तो मुश्किल ही मुझे लग रहा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन देखते हैं भाई क्या पता, मतलब इस तरह कुछ कंटेंडर्स हैं जो मतलब आ भी सकते हैं। तो जल्दी से यार देखते हैं वीडियो, व्लॉग नेशन का वीडियो, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी से देखते हैं, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। टॉप 10 स्टेट्स बाय जीडीपी इन 2030, वीडियो फुटेज प्रोवाइडेड बाय, मतलब इन सब की फुटेज इन्होंने ली है, सबको देखा है मैंने। राजस्थान 10वें पे, मतलब 10वें पे राजस्थान होगा। अच्छा सर, और बड़ा यार 140 अभी मतलब है इसकी जो 18 के डेटा के मुताबिक कितनी हो जाएगी, क्या प्यारा है भाई, ग्रोथ 14% भाई, क्या ग्रोथ है यार राजस्थान की, क्या जगह है यार उधर, तो यार बहुत प्यारा नहीं है राजस्थान यार। ये कौन सी जगह है ये भाई, मतलब है तो राजस्थान में, लेकिन यार इसका नाम बताना किसी को, राजस्थानी बंदा है, बिल्कुल बड़ा प्यारा था ना। फाइव थर्टी फोर बिलियन सिर्फ 10वें नंबर के स्टेट की 2030 में होगी, यार ये मजाक है, सच है, ग्रोथ के लिहाज से ये उसका मॉल है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा मॉल भाई, लेकिन 534 बिलियन यार, यार ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है यार, बिल्कुल जो है ना इन्होंने हट कर ही जो है अलग ही लीग में खेल रहा है। आंध्र प्रदेश हैप्पी यार, कितना प्यारा है ना भाई, कितनी प्यारी जगह है आंध्र प्रदेश यार, बहुत कमाल की जगह यार, पहाड़ों के अंदर है, अभी 136 बिलियन है भाई, राजस्थान ने इतना शौक किया इसके कितने होंगे, ग्रोथ इसकी 15 है, उसकी 14 थी, हाँ। मतलब इसकी ज्यादा है उससे ग्रोथ, हाँ। अब कितनी हो जाएगी ना इसकी, ये बड़ी प्यारी जगह है यार, ये मुझे टावर मतलब लग रहा है, टावर ही था लग कह रहा है, ये सबमरीन खड़ी है ना, हाँ। $591 बिलियन भाई, मतलब इतनी तो कंट्रीज की नहीं होती है ना, नहीं होती, बिल्कुल मतलब नहीं होती, बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी नहीं है, मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, बहुत ब्राइट फ्यूचर होने लगा इंडिया का, बहुत ज्यादा, साथ में तेलंगाना 8वें पे है, ये अब कौन कितनी ग्रोथ के साथ हो गया, और अभी इसकी कितनी है, अभी 136 है, अच्छा ये 136-138 इसमें चल रहे हैं जीडीपी, इसकी ग्रोथ अभी पता लगी कि कितनी है, 15 है इसकी भी, 15% है, ये भी 591 मतलब टाई हो गया आंध्र प्रदेश और इसमें टाई हो गया, यानी एक ही स्पीड से जा रहे हैं ये भाई, लेकिन बहुत ज्यादा जीडीपी है 591, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब 10 सालों में इंडिया इस लेवल पे खड़ा होगा। मध्य प्रदेश एमपी, यार
126 बिलियन अभी है भाई इसकी, 126 बिलियन। ये मध्य प्रदेश में साइकिलें यूज हो रही है क्या, मतलब वो लड़कियां चला के काफी लेकर जा रही है आगे वो 16% ग्रोथ रेट इसका बहुत जबरदस्त है, एवरेज ग्रोथ है। अब ये पता नहीं कितना ग्रोथ पकड़ेगा ना। हाँ, 632 मिलियन बिलियन मिलियन नहीं बिलियन बिलियन ही बोल रहा हूँ भाई। अरे वाह यार, मेरे ख्याल में इतनी अभी ताइवान की है भाई, मतलब कैसे कैसे कंट्रीज को क्रॉस। ये मैंने बोला है ना भाई, उधर साइकिलें चल रही यार, ये रेंट पे मतलब ये प्ले स्टोर से मतलब ये बुक करते हैं, ये सारा सिस्टम होता है। ये मध्य प्रदेश में शायद चल पड़ा है, मुख्य जगह पे भी चल रहा है इंडिया की। ये बुक कर ये जा जाते हैं अगली स्टॉप पे छोड़ देते हैं, मतलब ट्रैक बना हुआ है ना। ट्रैक बना हुआ है यार, मध्य प्रदेश काफी बड़ी जीडीपी ले जाएगा 622। अब बाकी कहाँ पे होंगे ना भाई, अब खुद अंदाजा लगा लो फिर। गुजरात कहाँ पे होगा, यूपी कहाँ पे होगा, हाँ वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, अभी तो वेस्ट बंगाल आ गया भाई, ये बस दिल थाम के अभी 160 है। ग्रोथ है, मतलब जीडीपी ज्यादा है ना भाई। इसका कितना हो जाएगा, 70 बिलियन तकरीबन, 700 बिलियन। हाँ 700 बिलियन। मैं भाई शॉक की वजह से मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया भाई, मतलब 700 बिलियन के साथ आप नोट करो वेस्ट बंगाल लगेगा कैसा। यूपी पांचवे नंबर पे, उत्तर प्रदेश, अरे वाह, बहुत स्पीड पकड़ रहा है यार जीडीपी में, अभी 230 है, मतलब यूपी ने काफी स्पीड पकड़ी है ना, बहुत ज्यादा पकड़ी है, काफी एक्सप्रेस वे वगैरह भी बन रहे हैं इधर, मतलब काफी ज्यादा काफी डेवलपमेंट हो रही है, 14% की ग्रोथ है। ये इसके साथ गया तो कहाँ पहुंचेगा, ये भी अलग ही लीग में खेलेगा अभी देख लेना किस तरह खेलेगा। ये कौन सी जगह यार, ये वाटरफॉल है, 766 बिलियन डॉलर भाई, रिचेस्ट कंट्रीज हो जाएंगे ये लोग, मतलब कंट्रीज से भी ज्यादा पावरफुल होंगे, इतना पैसा होगा लोगों के पास। बहुत प्यारी जगह, मस्त जगह है, 10 सालों में नेक्स्ट डेवलपमेंट हम देखने लगे हैं भाई। अभी ऐसी लग रही है तो बाद में क्या होगा यार, अभी इतना प्यारा है तो बाद में कितना होगा। कर्नाटका फोर्थ नंबर पे, $217 बिलियन है अभी। अच्छा इनकी 14, 15, 16 बहुत बड़ी बात है, ये ऐसे कंट्रीज है डबल डिजिट में आते ही नहीं है, 5 से ऊपर मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है यार, 28 बिलियन। अबे एक स्टेट ट्रिलियन के पास पहुंच गया, अभी फोर्थ नंबर चल रहा है भाई, फर्स्ट पे होगा उसका क्या होगा यार, ये तो मैं सोच रहा हूँ। तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है भाई, 256 बिलियन, अभी 256 है। अभी इतना प्यारा है तो आगे क्या होगा भाई इसका। अरे वाह, 977 बिलियन
भाई, ट्रिलियन तो इसकी हो गई है, ट्रिलियन तो इसकी हो गई। सेकंड पे गैस, एक महाराष्ट्र तो पक्का होगा, वो तो है ही है, महाराष्ट्र तो पक्का होगा अब फर्स्ट टू में, लेकिन एक और कौन सा हो सकता है, चलो देखते हैं खुद ही। हाँ भाई, गैस नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। भाई तमिलनाडु थर्ड पे, ट्रिलियन गुजरात। ओ भाई, एक टाइम पे ये टॉप टेन में भी नहीं आता था, नहीं था, नहीं था, गुजरात ये चार पांच सालों में इसने बहुत ज्यादा तरक्की की, एक टाइम पे ये टॉप टेन पे भी नहीं आता था। अभी 230 है इसकी। अरे वाह यार, मजा आ गया यार, डेवलपमेंट पकड़ी है इस गुजरात की जगह यार। ओ रात को व्यू चेक कर, नाइट व्यू यार, ये जगह का नाम बताना मुझे, बड़ी कमाल की जगह यार ये तो, मैं शौक हूँ एक टाइम पे टॉप 15% यार, दिख कर लग रहा है, तुम देखो इसको, सिर्फ गुजरात को दिख के पता चल रहा है यार, नेक्स्ट लेवल चीज है यार गुजरात। कैम छो मजा मा, बिल्कुल मजे में रह रहे, मजा मा वाकई यार, बाकी मजे में रह रहे, सही बात है, बिजनेस माइंडेड लोग हैं सारे, हाँ बिजनेस काफी यूज करते हैं यार भाई, मतलब इसने काफी ग्रो पकड़ा है। हाँ। एक टाइम पे बाकी में टॉप टेन में नहीं आता, बिल्कुल 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ गुजरात नंबर टू पे राज कर रहा होगा यार, सीरियसली बहुत नाइस यार, 1 ट्रिलियन अभी, मतलब जो जीडीपी है इंडिया की ना, उसका मतलब आधे से थोड़ा सा कम है, कम महाराष्ट्र आया फर्स्ट पे, मुझे पता था किंग किंग ही रहेगा, किंग किंग ही रहेगा, स्टेट्स का बाकी बहुत रिच है, अभी 430 बिलियन है इस टाइम, मतलब 2018 में थी, अभी तो 480 समथिंग है, अभी तो 500 के पास। हाँ भाई, महाराष्ट्र नेक्स्ट लेवल है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र, ये देखो कैसी कैसी बिल्डिंग है, ये पुणे की थी ना मेरे ख्याल में, पुणे नाइस, अभी उसकी भाई दिल इस पे थाम के रखना, क्योंकि अभी से उनकी डबल में जा रहा है बाकी स्टेट की, ये और छुड़ाने वाला लगता है, 1.64 ट्रिलियन यार, सीरियसली ये सच है, इसको तो दूर दूर तक कोई नहीं पहुंच सकता भाई, 1.64 ट्रिलियन भाई, बिल्कुल यार, मतलब इंडिया उस लेवल पे बैठा होगा उस टाइम ना, बता मैं नहीं सकता, 10 ट्रिलियन किससे ऊपर की इकोनॉमी होगी इस टाइम इंडिया, बिल्कुल होगी, यही बात, बिल्कुल होगी, अभी 10 शेयर दिखाए तो इसका बात मतलब 10-20 के करीब हो सकती है, इंडिया की अगर फुल इकोनॉमी देखा जाए तो तब 20 के करीब हो सकती है, शॉकिंग है सच में, बहुत शॉकिंग था यार, बहुत ज्यादा। इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म यार, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, भाई इस वीडियो ने मैं बता नहीं सकता इतना शॉक किया यार, सच में भाई बहुत ज्यादा यार शॉकिंग थी, शॉकिंग क्या थी, मतलब वो क्या कहते हैं हाथों के तो राजस्थान जिसको कहा ना 580 कुछ था, 534 उधर, मैंने कहा ये लेवल बहुत ऊपर जाने लगा है उसके बाद, क्योंकि वो 10वें नंबर पे था, फिर 9वें नंबर पे यार, मतलब गुजरात ने बहुत स्पीड पकड़ी है, मैं उस पर मतलब काफी शॉक हुआ कि एक टाइम पे टॉप 10 में नहीं आता था, नहीं आता, यूपी भी एक टाइम पे टॉप 10 में नहीं आता था, यूपी हाँ। उस लिहाज से दूसरा ये कि यार अभी यूपी में महाराष्ट्र तमिलनाडु तेलंगाना वेस्ट बंगाल ये तो शुरू से मतलब हाँ, काफी इनकी जीडीपी आई होती थी, बिल्कुल ये मैंने जब से नोट किया मुझे इनका ये भी, लेकिन थे उधर ही बिल्कुल, इनकी भी ट्रिलियन ट्रिलियन के पास तो इनकी भी इकोनॉमी थी, बिल्कुल हाँ 2030 में, लेकिन गुजरात ने बहुत बड़ा लीप लिया और यूपी यार गुजरात का वाकई हम गुजरात और यूपी वाकई ठीक कह रहे हो कि मतलब इसमें हम काफी ज्यादा शौक हुए, मतलब एकदम से यार इतना ज्यादा, मतलब ये दो भाई, वैसे आपने एक आइडिया देखा है, आपने अभी से इतना डेवलप्ड इंडिया लगता है तो उस टाइम डेवलपमेंट कहाँ होगी यार, तुम खुद सोचो जब 2030 होगा और हम ये कह सकेंगे कि मतलब अगर आप एक गैस करो ना, अगर आज की चाइना की 15 ट्रिलियन इकोनॉमी है और उसकी कैसी बिल्डिंग्स हैं और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है,
तो इंडिया की अगर 20 ट्रिलियन उस टाइम हुई सेम वही चाइना वाला हिसाब उससे भी प्यारा, यानी मतलब इतनी प्यारी अभी जगह है इंडिया में, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, डेवलपमेंट है, इतना प्यारा है, लेकिन उस टाइम इंडिया अगर 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी होती है इंडिया के पास तो तब कैसा होगा भाई यार। फिर अगर इस बजट में भी इंडिया इतना डेवलप्ड है और अब खुद अंदाजा लगा लो 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी जब, तो उस टाइम इंडिया कैसा होगा ये तुम सोचो। मतलब सोच के लिहाज से अगर तुम देखो ये चाइना क्या काफी सारे देशों से मतलब एक अलग ही लीग में, थर्ड नंबर पे इकोनॉमी में आ जाएगा या सेकंड पे होगा। अगर अमेरिका को काट गया तो सेकंड पे होगा, क्योंकि सबको पता है चाइना फास्ट पे होगा और इनकी राइवलशिप बनेगी कहीं जाके। लेकिन एक में बात बताऊं, ये तो हम वैसे अभी कह रहे हैं ना, 10 साल बाद का किसको क्या पता किस जगह पे होगा, शायद चाइना ना हो, जिस कुछ की भी इकोनॉमी क्रैश हो सकती है, जिस तरह ये कोरोना चल रहा है कुछ भी हो सकता है। लेकिन यार वैसे एक चीज देखी जाए ना भाई, बहुत स्पीड पकड़ी है चाइना, बहुत ज्यादा हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि यार इकोनॉमिक जायंट बने इंडिया, बिल्कुल, और एशिया में पावर है, एशिया में पावर है। और यार अभी हम कहते हैं कि बहुत ही कमाल था, इसमें एपी था, एमपी था, मतलब मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, अच्छा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मतलब ये 10 इसमें स्टेट्स थे जो अपने आप में मतलब कितनी कंट्रीज है उनको कंबाइन किया जाए उससे भी ज्यादा जीडीपी होगी, बिल्कुल एक एक स्टेट की, बिल्कुल ज्यादा। सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।